मारवाड़ी एक ऐसी कम्युनिटी जो इस देश के 40-45% बिजनेसेस चलाती है। ओरिजिनली ये आते हैं राजस्थान के एक बड़े एरिया मारवाड़ से, इसीलिए इन्हें मारवाड़ी कहते हैं। शुरू से ही इन लोगों की पैसे और बिजनेस पर पकड़ बहुत मजबूत है। पर हैरानी की बात यह है कि ये कोई बहुत ज्यादा अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं आते, ये सोशली भी थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं और तो और इंडस्ट्री में भी ये बहुत लेट आए थे। इंडस्ट्री में देखा जाए तो सबसे पहले बंगाली लोग आए थे, वो एजुकेशन वाइज भी मारवाड़ियों से बहुत आगे थे और सोशली भी मॉडर्न थे। बट आज अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखा जाए तो बंगाली दूर दूर तक नजर नहीं आते, वहीं मारवाड़ी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस सेक्टर में। अब एक मारवाड़ी की पहचान क्या है इसे समझते हैं। पहली चीज, ये लोग सिंपल कपड़े पहनते हैं, फैंसी कपड़ों से दूर ही रहते हैं। फिर सोना बहुत होता है इनके पास, गले में गोल्ड चेन्स होती है, हाथ में उंगलियों से ज्यादा अंगूठियां पहनते हैं और बड़ा ही मीठा बोलते हैं। आप जाओ कभी राजस्थान देखोगे तो पता चलेगा, हुकुम हुकुम करके बात करते हैं, सामने वाले को इज्जत देते हैं, ऐसा लगेगा जैसे आप कहीं के राजा हो। ये खासियत है मारवाड़ियों की। इसके अलावा ये लाइफस्टाइल पर ज्यादा खर्चा नहीं करते, ऐसा नहीं है महंगी घड़ी ले ली, बड़ी गाड़ी ले ली, नहीं, सिंपल रहते हैं। आप इनका रहन सहन देख के बता ही नहीं सकते कि अमीर है या गरीब। इसके अलावा ये लोग फालतू ट्रेवल भी नहीं करते, घर में बच्चे को बुखार है, डॉक्टर के पास ले जाना है, ले जाएंगे, फिर बच्चे को कहेंगे तू यहाँ डॉक्टर भाई जी के पास बैठ, तब तक मैं राशन ले आता हूँ। गए थे बच्चे का इलाज कराने, साथ में राशन भी ले आए। ये है मारवाड़ी दिमाग जो टाइम और पैसा दोनों बचा लेता है। अब आते हैं बिजनेस पर। इनका बिजनेस करने का तरीका बहुत पुराना और असरदार है। मेनली मारवाड़ी जॉइंट फैमिली बिजनेसेस चलाते हैं, जहां अगर मानो पिताजी की मिठाई की दुकान है तो उसमें बड़ा बेटा काउंटर पे मिठाई पैक करेगा, उससे छोटे वाला मिठाई बनाएगा, सबसे छोटे वाला टेबल साफ करेगा और खुद पिताजी गल्ले पर बैठेंगे। यानी सारे फैमिली के लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं। इससे होता क्या है, एक तो लेबर कॉस्ट जीरो हो जाती है, दूसरा ज्यादा टाइम तक काम हो सकता है क्योंकि सब घर के आदमी है, और तीसरा क्वालिटी मेंटेन रहती है क्योंकि सभी के सभी एज ए ओनर काम कर रहे हैं। तो ज्यादातर मारवाड़ियों का यही तरीका होता है बिजनेस शुरू करने का। इसके अलावा इंडिया में जो भी बड़े बिजनेसेस हैं, लाइक डीमार्ट, हल्दीराम्स, लेंसकार्ट, मिंत्रा, ओयो, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, सब के सब मारवाड़ियों के हैं। तो कुछ तो सीक्रेट्स होंगे इन लोगों के पास जो ये लोग पिछले कई सालों से पैसे बनाने में टॉप की कम्युनिटीज में आते हैं, और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सीक्रेट्स को जानेंगे। तो चलो फिर, फर्स्ट है अपॉर्चुनिटी सीकर। 2005 में फोर्ब्स मैगजीन ने टॉप 3 रिचेस्ट लोगों को रैंक किया था। उस वक्त नंबर 1 पर थे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, नंबर 2 पर थे इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और नंबर 3 पर थे स्टील इंडस्ट्री के रूलर लक्ष्मी मित्तल, जो एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे। जहां बिल गेट्स अपना पैसा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में लगा रहे थे, उसी टाइम लक्ष्मी जी अपना पैसा स्टील इंडस्ट्री में लगा रहे थे। उन्होंने जब स्टील में अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया था तो उस वक्त इंडस्ट्री बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि स्टील में रॉ मटेरियल की प्राइस भी मार्केट डिसाइड करती है और फिनिश्ड प्रोडक्ट की प्राइस भी आप तय नहीं कर सकते। ऐसे में इस बिजनेस में घुसना ही बड़ा रिस्क का काम था, प्रॉफिट निकालना तो दूर की बात, पर मित्तल साहब ने तय कर लिया था। 1976 में उन्होंने स्टील मिल सेटअप की और सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड प्रॉफिटेबल स्टील बिजनेस बिल्ड किया। अब सवाल ये उठता है कि कैसे? जवाब है अपॉर्चुनिटी को देख के। जहां 1980 में बाकी लोग डोमेस्टिक मार्केट में स्टील का बिजनेस कर रहे थे, लक्ष्मी मित्तल ने इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करने का सोचा, और उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर था ही नहीं, इसीलिए ये बहुत जल्दी अपना स्टील का बिजनेस ग्रो कर पाए थे। तो मारवाड़ी लोगों में ये खासियत होती है कि वो अपॉर्चुनिटी को कभी हाथ से जाने नहीं देते, वो हर चीज में बिजनेस ढूंढ सकते हैं। सेकेंड है सेल्फ मैनेजमेंट। मारवाड़ी आदमी काम किसी से भी करवाए पर गल्ले पर खुद ही बैठेगा, जो भी हिसाब किताब होगा एक एक रुपए का वो खुद करेगा। पैसे के मामले में ये किसी पर भरोसा करते ही नहीं है। मारवाड़ी गल्ले से इतना चिपकता है जितना एक बच्चा दूध की बोतल से। इस पर एक छोटा सा इंसिडेंट है, आपको सुना देता हूँ। एक बार एक मारवाड़ी अपनी दुकान में बैठा गल्ले के पीछे पैसे गिन रहा था। ऐसे में एक भिखारी बाहर रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा इस मारवाड़ी को और बोला, साहब कुछ रुपया पैसा मिल जाता तो अच्छा रहता, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। उसने कहा, जाओ यहाँ से, कोई पैसा नहीं है। भिखारी थोड़ा जिद्दी था, जैसे कि वो अक्सर होते हैं, तो उसने फिर कहा, साहब पैसे नहीं है तो कुछ खाने को ही दे दो। मारवाड़ी ने कहा, बोला ना कुछ नहीं है मेरे पास, चले जाओ यहाँ से। भिखारी ने कहा, अगर कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो तुम अंदर क्या कर रहे हो, मेरे साथ हो लो, जो मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। कहने का मतलब, दुनिया इधर से उधर हो जाए वो गल्ले से नहीं हिलेगा, और हिसाब बहुत पक्का रखता है मारवाड़ी, कितना माल आया, कितना बिका, किसका कितना पैसा देना है, कहां कहां से पैसा आना है, हर चीज लिख के रखता है। अगर कोई वर्कर बीड़ी सिगरेट के 10 रुपए भी लेता है तो उसे भी ये लिख के रखते हैं। इसके बाद टैक्स।
ये बिना बात के टैक्स पे नहीं करते, इन्हें लीगली टैक्स बचाना आता है, यानी सरकार के लिए भी इनकी पॉकेट से पैसा निकालना मुश्किल काम है। थर्ड है इनकम स्ट्रीम्स। इन लोगों की मेन इनकम आती है बिजनेस यानी धंधों से। कुछ भी हो जाए पर इनकी खुद की दुकान जरूर होती है, मिठाई की, कपड़ों की, सोने चांदी की। इनका मानना है कि घर में रोकड़ा कितना भी हो पर बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। दूसरा इनकी रेंटल इनकम होती है, कहीं से प्रॉपर्टी का रेंट आता रहे तो बहुत अच्छा है। तीसरा इंटरेस्ट इनकम, ब्याज नहीं छोड़ते ये लोग। मारवाड़ी पहला आदमी है जो रिश्तेदारी में ब्याज पे पैसा दे सकता है, उसके बावजूद रिश्ते भी बना के रखता है और ब्याज भी वसूल लेता है। वैसे उनसे पैसे मांग लो तो कहेंगे पीसा कठे है, पीसा कोनी, और कहो कि ब्याज दे देंगे तो कहेंगे कितना चाहिए भाई जी। अब भाइयों वाली बात है, हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और ब्याज की बात नहीं है, मुसीबत में आपनों आदमी ही तो काम आवे है। एक और बात, पैसे को कभी ये लोग खाली नहीं पड़ा रहने देते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं। ज्यादा स्टॉक्स वगैरह अगर समझ नहीं भी आता तो भी प्रॉपर्टी और गोल्ड में तो इन्वेस्ट कर ही देते हैं। और जहां ये इतना पैसा कमाते हैं वहीं ये चैरिटी और डोनेशन भी बहुत करते हैं। गांव में कुछ बनवाना है, किसी को पैसे की जरूरत है, कोई चंदा इकट्ठा करना है, ये लोग अपने हिसाब से डोनेट करते रहते हैं। फोर्थ है लॉन्ग टर्म विजन। मारवाड़ी लोग कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचते। वो जब कोई बिजनेस करते हैं तो ये सोच के चलते हैं कि आने वाली कई जनरेशन तक धंधो चलतो रहना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे मारवाड़ियों के यहाँ काम करने वाले बदलते हैं, काम नहीं बदलता। ये लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में प्रॉफिट अगर ना हो तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका फोकस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर होता है। ये लोग फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए प्रेजेंट को दांव पर लगा देते हैं, इसीलिए शुरू में कुछ साल बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसे भी ये वापस रीइन्वेस्ट कर देते हैं ताकि बिजनेस एक्सपेंशन हो सके। ये इतना आगे का सोचते हैं कि इनके रिलेशनशिप्स भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं, फिर चाहे वो कस्टमर हो, सप्लायर हो या एम्प्लॉई। चाहे कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए इनके बिजनेस पार्टनर्स नहीं बदलते, क्योंकि ये लोग ट्रस्ट और रिलायबिलिटी पर बिजनेस चलाते हैं। इसके अलावा ये लोग अपने बच्चों को भी बिजनेस सिखाते हैं, फैमिली में पैसे की बात की जाती है ताकि बाद में बिजनेस बच्चों को हैंडओवर किया जा सके। इसीलिए ये सारी इंपॉर्टेंट बिजनेस स्किल्स पहले फैमिली मेंबर्स को ही सिखाते हैं। एक और बात, ये लोग लॉन्ग टर्म में इसीलिए टिकते हैं क्योंकि इन्हें टाइम के साथ साथ बिजनेस में चेंजेस करने आते हैं। ये लोग फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव होते हैं। ये अपनी कोर वैल्यूज को भूले बिना प्लान्स और स्ट्रेटजीज में चेंजेस कर देते हैं ताकि बिजनेस हर सिचुएशन में प्रॉफिटेबली चलता रहे। फिफ्थ है वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट। ये लोग प्रोडक्ट को वैल्यू के बेस पर ही खरीदते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट की कीमत उसकी वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करती तो ये उसे नहीं खरीदते, यानी इमोशनल बेस्ड बाइंग करते ही नहीं है। आजकल कुछ लोग महंगे स्नीकर्स खरीदते हैं, 5,000, 10,000, 50,000, इवन लाख लाख रुपए के लोग जूते खरीद रहे हैं और फिर उन्हें घर में एज ए कलेक्शन रखते हैं। मारवाड़ी ऐसा नहीं कर सकता। उसे तुम कहो कि ये 50,000 के जूते हैं, वो तुरंत कहेगा क्यों भाई, सोना लगा है इस पर, ये तो 500 रुपए में कहीं भी मिल जाएंगे। सामने वाला कहेगा पर सर ये लिमिटेड एडिशन है। मारवाड़ी कहेगा ऐसा कुछ नहीं होता, जूते ही तो है, 50,000 दे के क्या सिर में पहनेगा इसने। कहने का मतलब जब तक चीज की प्राइस उनको ठीक नहीं लगती दुनिया का बेस्ट सेल्स पर्सन भी उनको चीज बेच नहीं सकता। और महंगे में बेचना तो दूर, मारवाड़ी अगर अपनी पे आ जाए तो तुम उसे नॉर्मल प्राइस पर भी नहीं बेच सकते, क्योंकि वो किसी भी चीज को खरीदते समय दुकानदार को निचोड़ देता है। वो हर चीज में नेगोशिएशन करता है, उसको हर चीज कम प्राइस में चाहिए। वो जब कुछ खरीदते हैं तो प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनका फोकस होता है प्राइस पर कि कहीं चीज महंगी तो नहीं है। दुकानदार लाख कहे कि भाई जी यही सही प्राइस है, इससे कम में नहीं होगा, फिर भी उससे कहेंगे कि देख ले, भाईचारे वाली बात है, हम तो तेरे पास ही आवे, बाकी थारी मर्जी। वहीं जब खुद अपनी दुकान पे कुछ बेचते हैं तो एक रुपया भी कम नहीं करेंगे। कस्टमर अगर कह दे कि आपकी चीज थोड़ी महंगी है तो उससे कहेंगे अरे नहीं नहीं, बच्चे की कसम, भगवान कसम, इसमें सिर्फ 10 रुपए ही बच रहे हैं मने, और आप फिक्र मत करो, आपसे ज्यादा पैसे थोड़े लेंगे। सिक्स्थ है कॉस्ट कंट्रोल। मारवाड़ी आदमी बिना बात के एक रुपया भी खर्च नहीं करता, ना अपने लिए ना बिजनेस के लिए। शुरू से ही ये लोग एफिशिएंटली काम करते हैं, यानी मिनिमम वेस्टेज में मैक्सिमम आउटपुट निकल सके। ये बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये बिजनेस में पैसे बचाने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। ये लोग स्टाफ बहुत लिमिटेड रखते हैं, बट जितने लोग इनके लिए काम करते हैं सबके सब मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉई को भी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। ये बिजनेस में स्टॉक पर भी लगातार नजर रखते हैं कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं पड़ी जो बिक नहीं रही है, या कहीं किसी आइटम की शॉर्टेज तो नहीं है। ऐसा करके ये कैपिटल का भी सही यूज कर लेते हैं। जहां ये इतना कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, वहीं साथ ही ये भी इंश्योर करते हैं कि कहीं प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, और इसीलिए ये लोग मार्केट में लंबा टिकते हैं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।